जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि SSC स्टेनोग्राफर का जो स्कोर कार्ड शो कर रहा है उसमें क्या सेफ जोन रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, कई सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि सर अब कट ऑफ क्या होगा। तो पहली चीज आप इसमें देखो, एक बड़ा सा मोटिवेशन आपको देता हूं, चाहे जितने नंबर हो, चाहे मैं 5 नंबर बढ़ाऊं या 10 नंबर बढ़ाऊं, चाहे जितने नंबर हो, अगर आपने प्री क्वालिफाई किया मन लगा के लिखिएगा। ठीक है, अब आ जाओ, अब कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ में देखो, मेरा जो खुद का एक्सपेक्टेशन जो मैंने खुद लगा के रखा है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, SC से हो, ST से हो, OBC से हो, UR वाले जनरल कैटेगरी से हो, या फिर ईश्वर का वरदान EWS से हो, गवर्नमेंट का वरदान EWS से हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी से आप आ रहे हो, इन सारी कैटेगरीज के लिए जो मैंने एक खुद का एनालिसिस किया है वो क्या है, आप चाहे जितना नंबर पाए हो, आपका जो कट ऑफ हुआ, ठीक है, जो भी एक प्री क्वालिफाई का नंबर दिया गया है जिसमें आपको बताया गया कि आप प्री क्वालिफाई हो रहे हो, उस प्री क्वालिफाई में अगर आप 15 नंबर प्लस कर रहे हो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर आप 15 नंबर प्लस कर रहे हो तो ये मान के चलना कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ये किस सोर्सेस में मैं बोल रहा हूँ, ये मतलब मैं कौन होता हूँ 15 नंबर डिसाइड करने वाला, तो भाई मेरे ये मेरा खुद का एनालिसिस है, एक खुद का एक्सपेक्टेशन है कि आपने जितने भी नंबर पा रखे हैं, सपोज कि किसी OBC वाले का कट ऑफ बना हुआ था जो प्री क्वालिफाई होने का था, 96 नंबर पे प्री क्वालिफाई बताया गया, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद उसका जितना भी नंबर हुआ, अगर उसके नंबर्स में इतने नंबर प्लस हो रहे हैं, 15 नंबर भी एक्स्ट्रा बन रहा है उस बंदे का, टोटल हो जा रहा है 111111, ठीक है, अगर इतने नंबर उसके प्लस हो रहे हैं तो वो एकदम सेफ जोन में है, उसको फाइनल सिलेक्शन लेना ही मिलेगा। लेना ही मिलेगा मतलब कि फेना ही लेना, फाइनल सिलेक्शन। ये कैसे मैं बता रहा हूं, तो मैं फिर कहूंगा कि ये मेरा खुद का एनालिसिस है कि अगर आप अपने कट ऑफ में, ठीक है, जो आपका प्री का क्वालिफाई मार्क दिया गया है उसका जो एक दायरा सेट किया गया है, अगर उसमें आप 15 नंबर प्लस कर रहे हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप सी वाले कैटेगरी में बात करिए, चाहे आप डी वाले कैटेगरी में बात करिए, आप चाहे इन सारे कैटेगरीज का नाम ले लीजिए, इन सारे कैटेगरीज में अगर आप 15 नंबर प्लस कर रहे हो तो आप फाइनल सिलेक्शन के दावेदार हो। ठीक है, तो बधाई हो जिनको जिनका 15 नंबर ज़्यादा है, ठीक है, और अब मन में आ रहा होगा उन लोगों का जिनका 5 नंबर ज़्यादा है, 10 नंबर ज़्यादा है, या 6 नंबर ज़्यादा है, जितना भी ज़्यादा है, आपका जितना भी ज़्यादा है आप क्या करोगे, अच्छे से स्किल लिख के आओगे। ये केवल एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, उसी कुछ में मुझे भी ऐड करो, उसी कुछ में मुझे भी ऐड करो, ये कुछ और बता रहे हैं, लेकिन ये एक बेस्ट एनालिसिस है, बड़े एनालिसिस के बाद आया हूँ कि इस 15 नंबर का क्या होगा। ठीक, अब जिनका इस बार का रिटर्न है, रिटर्न मतलब कि स्किल है, जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, 20 दिन है, लिख लो काका दादा, ठीक है, ABCD लिख डालो, तब तक कुछ ना कुछ तो उसमें जाएगा ही। तो बधाई हो, स्कोर कार्ड आप लोगों का दिख रहा होगा, जितना भी नंबर बन रहा है, अगर 15 प्लस है तो फाइनल सिलेक्शन, उससे कम है तो भी लिख के आएंगे, खूब मन लगा के लिखेंगे, किसी को यहाँ डीमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, अच्छे से तैयारी फिर लग जाइएगा, क्योंकि आपके सामने फिर वैकेंसीज हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, SSC स्टेनोग्राफर का भी है, सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, कट ऑफ का एक मेरा भी एक्सपेक्टेशन मोहर मारो, मेरी तरफ से ये 100% सही है, मोहर नहीं लगेगा, रुक जाओ, TG का मोहर मार देता हूँ, ये मैंने बनवाया था बहुत पहले, TG का मोहर नहीं लग रहा है, ठीक है, ट्यूशन घर ऑफिशियल का मोहर, ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, टेक केयर, जय हिंद।